मनोहर लाल ने कालका विधानसभा से हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने आज गुरुद्वारे में मत्था टेका और कालका मंदिर में पूजा अर्चना करके जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। 5 वर्षों के अंदर मैंने देखा है कि सचमुच आपके मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में गहराई है, आपके मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व में गहराई हमको देखने को मिली है और उनके कर्तृत्व में यानी कामकाज में ऊंचाई देखने को मिली है बहनों भाइयों। इसलिए आज मैं जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार हमको दिया है, हमारा भी परिवार है, लेकिन हमारा परिवार हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता है। इस 2.5 करोड़ जनता के लिए करना है। हम सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए, हम सत्ता को सेवा का माध्यम ये बनाने के लिए आए। सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म रहेगा, ये हमारा संकल्प है। यात्रा में केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया, नरेंद्र तोमर, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मंत्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ये यात्रा 8 सितंबर को रोहतक में खत्म होगी। सीएम मनोहर लाल प्रदेश व्यापी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों से मिलेंगे। 22 दिन की यात्रा में प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सिलसिलेवार तरीके से जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए जनसभा प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी गई है। बीजेपी ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में इस यात्रा का समापन करेंगे। विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के चलते पीएम का ये कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। R9 TV के लिए कालका से OP शर्मा की रिपोर्ट।